शादी के लिए कहा जाता है कि शादी एक ऐसा किला है जिसके मुख्य द्वार पर भारी भीड़ है, जो अंदर है वो बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहा है और जो बाहर है वो अंदर घुसने के लिए जोर लगा रहा है। और मैं तो कहता हूँ साहब, शादी एक ऐसा चिंगम है, चिंगम जिसे शुरू खाओगे तो शुरू शुरू में तो मीठा लगेगा, शुरू शुरू में बहुत मीठा लगेगा, बाद में चबाए जाओ। और जो इंटेलिजेंट आदमी होता है ना, झुंझुनू वालों की तरह, वो तो चबा चबू के किसी दूसरे के भी चिपका देता है। लेता आनंद कर दिया, आनंद। तब एक डेढ़ मिनट की कविता सुनाता हूँ। कविता से पहले दो लाइन आप याद रखना, दो भूमिका में, कि मेरी शादी की तैयारी हो रही है, मेरी निकासी की तैयारी हो रही है, मैं मेरे घर के अंदर संत रहा हूँ, घर के बाहर बैंड बज रहे हैं, घोड़ी तैयार खड़ी है, बाराती तैयार खड़े हैं, मेरा नाम कमल है। तो आप इतनी सी बात याद रखना, कविता भरपूर आनंद देगी। कि निकासी के लिए जैसे ही मैं संत के बाहर आया, एक एक शब्द कहूंगा आप याद रखें। निकासी के लिए जैसे ही मैं संत के बाहर आया, आते ही सब चकराया, खुशियों ने बदल लिया रूट, क्योंकि बैंड वालों ने भी पहन रखा था सेम मेरे जैसा ही सूट। कमाल। क्योंकि बैंड वालों ने भी पहन रखा था सेम मेरे जैसा ही सूट, वैसा ही कलर, डिजाइन भी वैसी की वैसी, अब शुरू हुई अपनी एसी की। आपको क्या पता है, आगे ही कविता आपने लिखी है। अब शुरू हुई अपनी ऐसी की तैसी, इससे भी जोरदार सदमा तो मेरे तब सहा एसडीएम साहब, इससे भी जोरदार सदमा तो मेरे तब सहा जब बैंड मास्टर ने मेरे पास आकर जोर से कहा, हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत करता है आपका अपना यह कमल बैंड। मेरे ही नाम का बैंड और मेरे जैसी ड्रेस। अब आप बताओ भाई साहब, कैसे रहता मेरा मूड फ्रेश। परंतु क्या करता, बैंड बदलने के लिए भी कह नहीं सकता था और शादी किए बगैर में भी रह नहीं सकता था, शादी किए बगैर में भी रह नहीं सकता था। टेंशन ही टेंशन में जा पहुंचा ससुराल, वहां लोगों की बातें सुनकर हो गया बुरा हाल। एक ने कहा कि लकड़ी का खंबा है, दूसरे ने कहा बिजली का खंबा है, तीसरे ने कहा दूसरे का नाम शायद राम है। मैंने सोचा ना राम है तो कमल जी अपना एक ही काम है। खैर, तोरण मारने के लिए मैंने जैसे ही तलवार खींची, देखा साहब क्या दुर्घटना घटी, तोरण मारने के लिए मैंने जैसे ही तलवार खींची तो ससुर जी ने डर के मारे दोनों आंखें मीची, गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, कौर साहब तोरण धीरे से मारना है, क्योंकि इसे झोंका तो वापस उतारना है, पड़ोसी से आधे घंटे के लिए ही उधार लेकर आया। हाँ, पड़ोसी से आधे घंटे के लिए उधार लेकर आया हूँ, सुरक्षित लौटाने का वादा करके आया हूँ, ये वापस जाएगा, वहाँ किसी दूसरे दूल्हे के भी काम आएगा। मैंने सोचा ना यार, तोरण भी उधार और आगे की दो पंक्ति अगर आपको आज के इस उत्सव में आनंद दे जाए तो दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाना। मैंने सोचा रहा यार, तोरण भी उधार, फिर जैसी भगवान की मर्जी, पर एक बात बताओ ससुर जी, दुल्हन तो ओरिजिनल ही